Hi guys, this is me Naina Hussain and welcome back to my YouTube channel. So, आप सब लोगों ने मेरा वीडियो का टाइटल देखकर तो पहचान ही लिया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ. तो मैं जा रही हूँ अमरीक सुखदेव. आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब पहली बार. मैं पहली बार अमरीक सुखदेव जा रही हूँ. आप सब तो जो वीडियो देख रहे होंगे वो तो जा चुके भी होंगे पता नहीं कितनी कितनी बार, बट ठीक है चलो देर आए दुरुस्त आए. तो जी हम जा रहे थे और आपको पता है जो इस साइड में ना, मतलब ऐसे चलते चलते ना बहुत सारे रेस्टोरेंट आते हैं और आप सब देख ही सकते हो कितने तो प्यारे प्यारे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन हम इनमें नहीं जाएंगे. हम तो जाएंगे अमरीक सुखदेव जाएंगे और आगे चल के दो चीज़ और है उनमें भी जाएंगे. तो अभी तो मैं नहीं बताऊँगी, वीडियो के आगे पता चलेगा आपको कि हम कहाँ कहाँ जाएँगे. ठीक है जी. और तो फिर हम चलते गए और चलते चलते, मतलब गाड़ी में बैठे बैठे, फिर हम पहुंच गए हवाई अड्डे के कुछ पास में. और मतलब हमारा जाने का था यहाँ पे कि हम आते हुए जाएंगे, बट बहुत देर हो गई थी इसलिए हम लोग नहीं जा पाए. बट अगर हम कभी गए बाद में तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाएंगे इधर. तो मैंने ये भी आप सबको बाहर से ही दिखाया तो है. जो लोग नहीं गए थैंक यू बोल देना मेरे को. ठीक है जी. ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग अमरीक सुखदेव पहुंच चुके हैं. एंड ये इतना ज़्यादा खूबसूरत था ना, मतलब मैंने देखा इतना मन लग रहा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा. अभी आप सब आगे देखना, बट हम 31 दिसंबर को गए थे, नहीं 30 दिसंबर को गए थे हाँ. और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था क्योंकि न्यू ईयर आने वाला था और क्रिसमस भी गया था. बट चलो कोई नहीं, बहुत मज़ा आया फिर भी, मतलब काफ़ी बड़ा पैलेस था तो मज़ा आया बहुत. ओके जी, तो फिर हम ना वॉशरूम में जाने वाले थे क्योंकि हमें अपने बाल बाल ठीक करने थे, फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी तो बनानी थी ना, बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करने थे, वीडियोज़ बनानी थी. तो वहाँ पे उधर साइड में ये कुछ कैंडीज़ की शॉप थी, बड़ी अच्छी अच्छी कैंडीज़ थी यहाँ पे, लेकिन मैं तो कुछ नहीं ले पाई. मैंने सोचा था कि मैं जब दोबारा आऊँगी मैं तब लेती हुई चली जाऊँगी, बट फिर जल्दी जल्दी में चले गए, मतलब फिर काफ़ी टाइम हो गया था तो ले नहीं पाई. मुझे फरेरो रोशर लेनी थी बट कोई नहीं, ऐसे मॉल में से ले लेंगे. फिर हम आए और मैंने अपने बाल बाल ठीक किए, मैंने खुद से हेयर स्टाइल इतना प्यारा घर से बना करके आई थी, बट कैप में सब कुछ ख़राब हो गया था, फिर मुझे दोबारा से बनाना पड़ा. फिर मैंने बहुत अच्छे से अपने बाल ठीक करके और यू नो बहुत सारे यहीं पर शुरू हो गई थी. मैं तो यहीं पर इतनी सारी अपनी वीडियोज़ बनाई, स्नैप बनाई और फ़ोटोज़ क्लिक किए. मैं वो सब आपको आगे दिखाऊँगी. ये देखो जी. तो फिर हम कुछ खाने के लिए आ गए और फिर हम लोग बैठे एंड हम लोगों ने ना वहाँ का फेमस प्याज पराठा ऑर्डर किया और फिर हमने वो खाया बड़े मज़े से. और मैंने सोचा ना कि चलो जब तक आलू पराठा आता है तब तक मैं अपना एक, मतलब मैंने 2-3 टिश्यू निकाले और उनसे फ्लावर बनाना स्टार्ट कर दिया. पता है यहाँ पे क्या हुआ था, मतलब मैं इसको बना तो रही थी और मेरे फ़ोन की सारा स्टोरेज ख़त्म हो गया था. फिर मैंने इसमें से बहुत सारी चीज़ें डिलीट की, वीडियोज़ और यूट्यूब में जो वीडियोज़ डाउनलोड हो रखी थी वो सब लेक्चर्स डिलीट किए, तब कुछ जाके बाद में व्लॉग बना था. एंड
फिर ना ये बीच में रुक गया था, बट मैं कहीं ना कहीं से लेके स्नैप बनाई थी, भाई ने कुछ में से डाल दूंगी अगर मुझे मिली तो। फिर हमारा पराठा आ गया था और उसके ऊपर इतना सारा नौनी घी रखा हुआ था और उसको मैंने बहुत मज़े से खाया। मुझसे तो ना पूरा भी नहीं खाया गया क्योंकि ये बहुत बड़ा था, और मतलब थोड़ा सा खाया गया, मतलब थोड़ा सा बच गया था इनका। फिर वो मैंने नासिर भाई को दे दिया कि वेस्ट नहीं जाना चाहिए खाना। फिर मैंने ना, और आपको पता है यहाँ के प्याज बहुत टेस्टी होते हैं, ये उसके विनेगर के प्याज बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और फिर हमने ना चाय भी ऑर्डर की थी, हमारी वो चाय भी आ गई, और ये बहुत ज़्यादा गर्म थी इसलिए मैंने टिश्यू निकाले और उनको बड़े सेफ्टी से पकड़ा क्योंकि कहीं मेरा हाथ ना जल जाता, ये बहुत गर्म थी। ठीक है जी, और फिर इसको बहुत अच्छे से इंजॉय किया चाय को। और पता है यहाँ पर क्या हो गया था, स्नैप बनाने के चक्कर में और बनाओ स्नैप कर दिया सब खराब। अच्छा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, पी लो पी लो पी लो। तो आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मेरी तो ये थी, आपकी कहाँ है? और इन्होंने, आप दोनों एक एक ऑर्डर कर लेना अपनी, ठीक है? और ना आप सबको पता है वहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब एक बार के कहने पर उन्होंने साफ़ कर दिया। और मतलब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एम्बेरेसिंग मोमेंट था वो, बट चलो कोई नहीं, हो जाता है गलती से मिस्टेक। ठीक है जी, तो फिर हम बाहर आए, आकर के हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक किए जो कि मैं अब आगे दिखाऊंगी आप सबको। और पता है यहाँ पे ना बहुत अच्छा म्यूज़िक चल रहा था, मतलब मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा, बट मैं वीडियो में नहीं डाल सकती वरना यूट्यूब वाले मेरी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम डाल देते हैं, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं इतनी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ और फिर मेरी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम डाल देते हैं बिना बाद में, पता नहीं क्यों। एक तो मुझे इतनी खुशी हो ही रही थी, ऊपर से अमरीक सुखदेव वालों ने मेरा फेवरेट सॉन्ग प्ले कर दिया। इनको कैसे पता चला कि मेरा फेवरेट सॉन्ग है? हाँ तभी तो ना इन्होंने मेरा फेवरेट सॉन्ग चलाया, इनको पता चल गया कि हाँ नैना आई हुई है और नैना के लिए इन्होंने नैना का फेवरेट सॉन्ग प्ले किया है। वाओ इतनी अच्छी हुई, इतनी भी। वैसे भी मैं तो हुई द ग्रेटेस्ट नैना हुसैन, यस आई एम। ओके जी, फिर हम गरम धर्म में गए और वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा। पता है वहाँ पे ना ढोल बज रहे थे, मतलब जब भी एंट्री होती है ना तो वहाँ पे ढोल बजते हो, इतना इतना अच्छा लगता है ना, मतलब बहुत अच्छा फील होता है, मतलब बहुत बहुत ऐसा पंजाबी वाइब आती है। पंजाबी वाइब तो आएगी क्योंकि ये धर्मेंद्र जी का यू नो रेस्टोरेंट है और वे तो पंजाबी है ना जी। और पता है वहाँ पर नासिर भाई कभी डांस नहीं करते, आप सब ने कहीं देखा ही ना होगा उनको डांस करते, बहुत बहुत कम देखा होगा, बट यहाँ पे उन्होंने बहुत इन्जॉय किया और थोड़ा सा डांस भी किया। वो अगर मेरे फ़ोन में वो वीडियो होगी तो मैं डाल दूँगी व्लॉग में, ठीक है जी। तो फिर ओके जी, फिर हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी और यहाँ पे अच्छे से घूमे, सारी चीज़ें देखी। और यहाँ पे वो जो जय और बीरू वाला, नहीं मतलब मुझे पक्का नहीं पता, वो जो फ्रेंडशिप वाला स्कूटर है और उसके साइड में बैठने का, हमने वहाँ पे भी बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए। उसके साइड में ना धर्मेंद्र जी का वो भी था, एक यू नो पोस्टर कह सकते हो, पता नहीं क्या था, मैंने उसके पास भी फ़ोटोज़ क्लिक किए, मैं आपको दिखाऊंगी। गाइज़ आप सबको पता है जो वहाँ पे दो अंकल थे ना जो ढोल बजाए थे, वे बहुत ज़्यादा स्वीट थे, इतने अच्छे थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उन्होंने ना हमारे लिए अलग से ढोल भी बजाया, ढोल भी बनाई आप सबको। देखा देखा गाइस, देखा आप सबने, नासिर भाई ने भी डांस किया।
अंदर जाना है अंदर। ओके जी, फिर हम मन्नत हवेली आए और यहाँ पे क्या एडवेंचर था बच्चों का जिसमें, और देखो इतनी डर रही थी ना फिर भी, मतलब ये झूली भी डर ही रही थी। ठीक है जी, और फिर ना हम मन्नत हवेली आए और नासिर भाई मुझे कह रहे थे कि नहीं हम तो बस बाहर से देख रहे हैं इसको, हम इसमें अंदर नहीं जाएंगे, ऐसे मजाक कर रहे थे, बट मुझे तो पता था उनको जाना ही था अंदर। ठीक है जी, फिर हम आ गए और वहाँ की डेकोरेशन मतलब वाह होती है। पहले तो आप ये एडवेंचर देखो, जहाँ पे ये लड़की इतनी डर रही थी बट फिर भी इसको बहुत मज़ा आया बाद में। कितनी सहमी डर रही है ये पूरी। चलो चुक 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 गाड़ी में बैठे। फिर हम पहले तो हमने एंट्री पे इतने सारे फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए थे, फिर हम अंदर गए और वहाँ पे भी बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए, वीडियोस बनाई। इतने प्यारे प्यारे क्रिसमस ट्रीज थे अंदर, सेंटा क्लॉज था और स्नोमैन था, स्नो डियर्स थे, इतना प्यारी डेकोरेशन थी ना अंदर मन्नत हवेली की, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैंने तो बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए वहाँ पर, और भाई भी सिस्टर ने भी, सब ने बहुत मस्ती की। ठीक है जी, तो मैंने आप सबको भी दिखा दिया है एंड अभी आप सब फोटो देखो। था एक दूसरा व्लॉग, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, आप सबने एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।